तो अब देखें कि मैं यहाँ पर डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी बिल्कुल सही से वाइंडिंग कर सकते हैं। देख रहे हैं इसमें जितने भी लूप मैं निकाला हूँ, जो भी वाइंडिंग किया हूँ, जो बॉबिन साइज है, कोर है, तो सारा मैं यहाँ पर डिनोट कर दिया हूँ। इसे आप डिटेल से थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ जो देख रहे हैं ये 12.0 12 वोल्ट और 3 एम्पियर, ये एल्युमिनियम रिवाइंडिंग डाटा है। ये एल्युमिनियम में ही वाइंडिंग किया हुआ था और उसी में मैं ये सारे कनेक्शन को निकाला हूँ। तो ये जो 12.0 12 3 एम्पियर है, मैं चाहूंगा तो फिर इसे मैं 12.0 12 पर भी यूज ले सकता हूँ। यहाँ रेड वायर को निकाल करके और एक इस साइड में जो दोनों वायर है, ब्लैक और रेड, ये दोनों को अगर मैं ले लेता हूँ और इस वायर को, तो ये 12.0 12 ट्रांसफार्मर बन जाएगा। तो इस तरह से मैं 12.0 12 भी निरोट कर दिया हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 0 से 3.7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट और 21 24 वोल्ट 3 एम्पियर में ले सकता हूँ। अगर आप कॉपर के वाइंडिंग भी करेंगे तो भी आपको 35 या फिर 36 स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज करना है, और इधर जब सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर 20 नंबर या फिर 21 नंबर के स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज करना होगा। अब देखेंगे कोर को, तो कोर का जो है वो 2.5 इंच का मैं यहाँ लिया हूँ। बीच का जो स्टैक है ये जो देख रहे हैं करीब 6.8 इंच का है। बॉबिन साइज जो देख रहे हैं 6.8 इंच, बट मैं यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि ये जो है ये आकार थोड़ा सा छोटा बन चुका है, बट एक्चुअली में जो है ये इसके साइज में रहेगा। और ये जो देख रहे हैं 1.5 इंच का है। स्टैक की मोटाई जो रहेगी, ये जो ट्रांसफार्मर की जो आप मोटाई देखेंगे वो करीब 1.5 इंच में रहेगा, और ये जो बॉबिन साइज में जो देख रहे हैं 0.68 इंच का है। तब ये बॉबिन साइज को जब मैं ले लिया हूँ तो इसी की हेल्प से यहाँ पर मैं डिनोट कर दिया हूँ। अब देखें बॉबिन साइज जो है 1.5 इंच है, और इसके बाद फिर मल्टीप्लाई मैं 0.68 इंच से कर दिया हूँ। तो टर्न पर वोल्ट निकालने के लिए 7.5 बाई एरिया ऑफ बॉबिन, तो इससे जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या कि जैसे कि 7.5 है, और यहाँ जो बॉबिन साइज है उसे मैं नीचे कर दिया हूँ। इसके बाद जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.02 आया। जब मैं 7.5 में इतना से डिवाइड किया तो 1 वोल्ट के लिए मेरे को 7.35 टर्न डालने पड़ेंगे। अब देखें ये जो देख रहे हैं कि 7.5 टर्न जो है ये कहाँ से आया, तो ये जो देख रहे हैं कि ये करके दिखाया हूँ तो मिसप्रिंट से मैं यहाँ पर एक एक शून्य लगा दिया था, तो एक्चुअली में इन सारे शून्य को मैं यहाँ से कट कर दूंगा। जो एक्स्ट्रा मैं लगा दिया था ये मेरे से मिसप्रिंट हुआ था। मैं ये कैलकुलेशन आपको अलग से करके दिखाऊंगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं 7.5 निकालने के लिए ये मैं फॉर्मूला को यहाँ डिनोट कर दिया। ई इंटू 10 के पावर 8 है 4.44 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी है, ए है एरिया, और पी जो है फ्लक्स एंड सिटी यानी कि लाइन ऑफ प्रेशर पर स्क्वायर इंच। तो इस तरह से मैं इसे डिनोट कर दिया हूँ। अब देखें यहाँ पर ई के जगह पर 1 को रखा हूँ और यहाँ 10 के पावर 8 है तो मैं इसे यहाँ पर 0 को रख दिया, तो करीब मेरे को 10 करोड़ मिला। अब देखें यहाँ जो देख रहे हैं 4.44 और ये 50 हर्ज पर है, यहाँ 60 हर्ज भी आप रख सकते हैं, 50 हर्ज में रख के चल रहा हूँ, एरिया है। और यहाँ पर पी के जगह पर जो देख रहे हैं फ्लक्स एंड सिटी जो है ये करीब मैं 60,000 रख लिया हूँ। अब ये कैलकुलेशन मैं करूंगा तो यहाँ जो देख रहे हैं 4 शून्य को मैं इस 4 शून्य से इस तरह से कट कर दूंगा। अब देखें कि 1 शून्य यहाँ है, इसे भी मैं कट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखें कि 3 2 6 होता है, और यहाँ पर जो है 500 × 2 = 1000 होता है, तो इस तरह से मैं कट कर दूंगा। फिर मैं 5 से इसे कट करूंगा तो ये जो हो चुका है 100। अब देखें 100 होने के बाद और यहाँ जो 1 आ चुका है, तो ये मैं यहाँ पर इन सभी को मल्टीप्लाई करूंगा 3 को ए से, और उसके बाद फिर 1 और यहाँ पर 4.44, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करना है और 1 × 100 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मेरे को मिल चुका है करीब 100 बाई, जब मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करता हूँ ये इसमें, तो ये मेरे को ए इंटू यहाँ पर जो मिलेगा वो करीब हो जाएगा 13.32। तो ये जो है ये निकल के आ जाता है। इसके बाद जब हाँ 100 को 13.32 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को मिल जाता है 7.5 बाई ए। तो ये जो देख रहे हैं 7.5 बाई ए यानी कि ए जो होता है वो कोर आता है एरिया ऑफ कोर को या फिर एरिया ऑफ बोबिन को सेट करने के लिए। तो देखें कि जब यहाँ पर जो 7.8 आ चुका है तो उसके बाद ये कैलकुलेशन मैं कर दिया हूँ, उसके बाद 1 वोल्ट के लिए 7.35 टर्न निकल चुका है।
तो अब आपको ये कैलकुलेशन जो है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। आया वही 7.4 y एरिया ऑफ बॉबिन में लगा देना है और इस फॉर्मूले पे आपको बैठाना है। इस तरह से 1 वोल्ट जो है वो निकालने के लिए कितने टर्न देना है वो आ चुका है। तो अब देखें कि यहाँ पर एक नंबर में मेरे को 3.7 वोल्ट चाहिए था, तो इसे मैं 7.35 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को 27.1 टर्न यहाँ पर डालना था। इसके बाद 6 वोल्ट के लिए भी मैं 7.35 से मल्टीप्लाई किया, तो 44.1 टर्न डालने पड़े। 9 वोल्ट के लिए भी इतना से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 66.15 टर्न डालने पड़े। 12 वोल्ट के लिए 7.35 88.2 टर्न डालने पड़े। 15 वोल्ट के लिए भी जब 7.35 से मैं मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 110.25 टर्न डालने पड़ेंगे। 18 वोल्ट को मल्टीप्लाई किया 7.35 से, तो 132.3 टर्न यहाँ डालने पड़ेंगे। 21 वोल्ट 10.35 से मल्टीप्लाई किया, तो 154.35 टर्न डालने पड़ेंगे। 24 वोल्ट के लिए 7.35 से मल्टीप्लाई किया, 176.4 टर्न डालने पड़ेंगे। अब जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका जो डीसी में निकलेगा वो है। एसी के लिए मैं यहाँ पर डिनोट कर दिया हूँ। अगर 220 वोल्ट पर 7.35 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11617 टर्न डालने पड़ेंगे। और यहाँ जो देख रहे हैं, जब हम 240 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1764 टर्न डालने पड़ेंगे। एक्चुअली में ज्यादातर जो वाइंडिंग किया जाता है 220 वोल्ट के लिए ही यहाँ वाइंडिंग किया जाता है। अब देखें, ये जो ट्रांसफार्मर का जो आप वाइंडिंग देखेंगे, तो 0 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट तक, और इतना टर्न में डाला हूँ जहाँ 2 लूप निकलेगा। अब यहाँ जो देख रहे हैं इस तरह से, तो ये देखें कि 0 वोल्ट है, 3.7 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, यहाँ 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 21 वोल्ट और 24 वोल्ट। यहाँ पर 20 नंबर सेकेंडरी के लिए और प्राइमरी के लिए यहाँ 35 नंबर के वायर का यूज किया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 9 लूप निकल चुका है। तो ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, इसमें भी देखेंगे कि यहाँ पर 9 लूप है। 2 लूप जो है ये मेन लीड के लिए, और इधर 3 लूप हो चुका है, और इस साइड में जो है करीब 6 लूप, 3 नीचे है और 3 ऊपर है। तो इस तरह से इसमें 9 लूप जो है वो मैं निकाला हूं, और ये जो ट्रांसफार्मर बिल्कुल हैवी बन चुका है, इसे मैं टेस्टिंग करके भी दिखाया। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसके हेल्प से काफी जानकारी आपको मिलेगी, और इस तरह से इसे वाइंडिंग भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे मैंने इसका वाइंडिंग किया और किस तरह से कनेक्शन निकाला, और ये मैं डायग्राम आपको दे दिया हूँ। टोटल मैं खुद का कनेक्शन और इसमें कैलकुलेशन करके निकाला हूँ, और ये बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है। इससे ये ट्रांसफार्मर जो है वो बिल्कुल सही से वर्क भी कर रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और भी लाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।